अगर आप तत्काल में किसी भी प्रकार के कोई काम कर रहे हैं और शुभ मुहूर्त की तलाश आपको है तो आपके लिए ये वीडियो अहम और खास हो सकती है। आपको मैं डेट वाइज यहां पर जानकारी देने वाला हूं फरवरी और मार्च के महीने में। हम बात करेंगे रवि योग और साथ में कार्य सिद्धि योग। वैसे अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग मुहूर्त जो है हम आपको पहले भी प्रदान करा चुके हैं, आप उस वीडियोस को भी देख सकते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बढ़ते हैं हम आगे कार्य सिद्धि योग पर। लेकिन एक जानकारी यहां पर महत्वपूर्ण हो जाती है, कोई भी मुहूर्त हो उस दिन दो चीजें आप अपने हिसाब से देखें, वह आपके लिए परम आवश्यक है। पहला, कार्य जब हम कर रहे हैं तो उस समय कौन सा लग्न चल रहा है, यह हमें कौन सा कार्य करना है तो हमें कौन से लग्न का चयन करना है, यह सबसे पहले देखें। क्योंकि सर्वे दोषा विनिश्यन्ति लग्न शुद्धिर यदा भवेत। जब लग्न का शोधन कर लिया जाता है उस काम के लिए तो कई प्रकार के दोषों का समन अपने आप स्वयं हो जाता है। दूसरा, उस दिन आपकी राशि के अनुसार चंद्रमा का संचरण कौन सी राशि पर रहेगा, दो अहम जानकारी होती है। अब हम बात करेंगे कार्य सिद्धि योग। फरवरी के महीने अगर हम कार्य सिद्धि योग की बात करें तो यहां पर 6 फरवरी, उसके बाद 8 फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी, 20 फरवरी, 23, 27 और 28 फरवरी को यहां पर कार्य सिद्धि योग बनेगा। बात हम वही रविनाश सर्वदोष नाशक रवि योग की बात करते हैं तो वह 3 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी, 9, 14 और 22 फरवरी को रहेगा। जबकि इसके साथ ही त्रिपुष्कर योग भी 13, 22 और 27 फरवरी को रहने वाला है। अब हम मार्च के महीने में बात कर लेते हैं। अगर मार्च में हम यहाँ पर कार्य सिद्धि योग की बात करते हैं तो 4 मार्च को, 6 मार्च, 8 मार्च, 13 मार्च, 15 मार्च, 23, 27 और 28 मार्च को कार्य सिद्धि योग बन रहा है। वहीं हम अगर रवि योग की बात करते हैं जो सर्वदोष नाशक माना जाता है, ऐसे रवि योग 5 तारीख को यानी 5 मार्च, 7 मार्च, 11, 15 और 23 मार्च को बन रहा है। अगर हम वही रवि पुष्यामृत की बात करें तो वह यहां पर 13 तारीख को रहेगा, जबकि द्विपुष्कर योग जो है 19 और 29 तारीख को रहेगा, और त्रिपुष्कर योग की बात करें तो यह 8 तारीख को बन रहा है। अब हम बात कर लेते हैं अगले महीने यानी अप्रैल माह के। तो अप्रैल माह में जो कार्य सिद्धि योग का यहां पर निर्माण हो रहा है वह कार्य सिद्धि योग 1 तारीख को रहेगा, उसके बाद 3 तारीख को यानी 3 अप्रैल को, फिर 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 8 अप्रैल, 10 अप्रैल, 12, 18, 23 और 28 अप्रैल को बन रहा है। वहीं रवि रोग योग जो बन रहा है वो 4 तारीख को, 6, 9, 15 और 21 अप्रैल को बन रहा है। वहीं हम रवि पुष्यावृत की बात करें तो ये 10 तारीख को बन रहा है और जिसका समय सूर्योदय से लेकर 6:03 तक रहने वाला है। त्रिपुष्कर योग की हम बात करें तो 17, 23 और 26 तारीख को यह योग भी अपने आप में बड़ा अहम योग है जिसकी उपस्थिति इस समय पर रहेगी। तो दर्शकों, आशा करता हूं यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रही होगी। आप बने रहें, हमें दीजिए इजाजत।